बाबा आप मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे वहाँ जाना है कि नहीं जाना। बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं तो ये समझा कि तुम सुनकर खुश होगी। मुझे वहाँ नहीं जाना, और वैसे भी मैंने अपनी दोस्तों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की। देखो बेटा, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला तो बाद में भी कर लेना। तुमने यूएस नहीं देखा ना, बहुत खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ इर्तिदा और समन भी है, तुम ज्यादा एंजॉय करोगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर नहीं जाना चाह रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? अम्मा मैं समन से वादा कर चुका हूँ, अब अगर ये नहीं जाएगी तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी ना। सबा तुम ही अपनी जिद छोड़ दो बेटा, इर्तिजा का और समन का घर तुम्हारे लिए खैर तो नहीं है ना। कितने प्यार से उन्होंने तुमको बुलाया है, अब छुट्टियों में अगर तुम चली जाओ, बहन का दिल बहल जाए, तो इसमें क्या बुराई है आखिर? प्लीज मेरा बेटा। और अम्मा, इर्तिजा ने मुझे फोन करके कहा है कि सबा को जरूर भेजो, इसीलिए तो टिकट लाया हूं। सबा ये अच्छी बात है, दिल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। देखो सबा प्लीज ऐसा करो, तुम चली जाओ यूएस से, अगर दिल ना लगे ना तो वापस आ जाना, खत्म, इतनी सी तो बात है। अम्मा डन, ये ठीक है ना? ओके बिल्कुल। सीरियसली समन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बाबा को इस मामले में इन्वॉल्व करोगी। कहो कैसी रही, जो हम कहते हैं वो कर दिखाते। हाँ, इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा और किसको होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बहुत बदतमीज हो, मैं तुमसे वहां आके निपटूंगी। तुम मुझसे निपटो, लड़ो, मगर यहाँ पे आ तो जाओ। आई रियली मिस यू सबा। चलो फिर, चाला परसों मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।